आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सांचौर विधानसभा के पूर्व विधायक हीरेलाल बिश्नोई पिछले दो महीने से विधानसभा क्षेत्र सांचौर के दौरे पर हैं। वो विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से मिलने हैं। लोगों से उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसमें ये बताया गया कि सरकार की जो मंशा है, सरकार जिस तरह विकास के कार्य करवाना चाह रही है वो धरातल पर काम नहीं हो रहे हैं, जनता त्रस्त है। ये खुद विधायक पूर्व विधायक का मानना है। हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है सर। आप पिछले दो महीने से प्रदेश के क्षेत्र के दौरे पर हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा है, मगर जो आम समस्या है ना लोगों की, वो मैंने आपको बताया है कि पानी की मेन पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या। अभी इन दिनों में जो ये गलत हवा चलने से जो जीरे की फसल नष्ट हो गई, तो इसकी तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री महोदय सर्वे करवा करके और लोगों को राहत दे। मेरी यही मसला सर। पानी आपने बताया कि पानी की काफी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को, पानी, तो क्या सरकार ने पानी को लेकर पेयजल को लेकर की योजना नहीं चला रही? पेयजल की योजना मैंने तो कहीं देखी नहीं, मैं वो कह रहा हूँ। उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो जनप्रतिनिधि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आप भी हैं। मैं तो पूर्व पर सरकार का मेरे, सरकार हाँ, हाँ, मैंने पहले हमारे अभी यहाँ पे मंत्री जी हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल आना यहाँ छोड़ दिया था। मैं आता नहीं था, मैं तो मंत्री जी हैं, काम करते हैं, अच्छी बात है, मैं नहीं आ रहा था। अभी मेरे को लोगों ने कहा कि साहब अभी बड़ी मुश्किल है, आप आओ और हमारे समस्या का समाधान निकालो कुछ, तभी मैं आया हूँ। बाकी तो अभी मंत्री जी हैं, अभी डेढ़ दो साल पड़े हैं मंत्री जी के, उनको करना चाहिए, मेरा तो यही निवेदन। अभी सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि करीब 250-300 लोग कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, आपने उनको रोका, क्या मामला था सर वो? वो यही था कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, हर चीज़ की जो समस्या होती है ना, इसलिए लोग छोड़ते हैं, बाकी छोड़ने के लिए कोई तैयार। आपने उनको क्या आश्वासन दिया? मैंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे नहीं कीजिए, आप रहिए, मैं बात करूँगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय से, और आप लोगों का जो भी समस्या है मेरे को आप बताइए, उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सर पिछले दो महीने से आप सक्रिय हैं, तो लोगों का काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है, सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं कि आप अभी सक्रिय हो रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां आपने शुरू की, क्या ऐसा है कुछ? आगामी चुनाव तो देखो ऐसी बात है, टिकटों पर होता है, टिकट हाईकमान हमारे को देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, पहले भी लड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, हाई कमान के ऊपर होता सब मुद्दा होता है। हम तो चुनाव वैसे थोड़ी लड़ सकते, वैसे चुनाव नहीं लड़ सकते, तो चुनाव हाई कमान अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। आप नेट क्षेत्र के कौन से गांव में गए और वहां के लोगों की क्या समस्या है? मैंने पहले ये लिख के दिया ना आपको, बिजली पानी और खाने पीने की समस्या, ये सड़कों की समस्या, आवागमन की समस्या, ये सारी समस्या है। नेड इलाके में हमारे तीन ही मुख्य सड़कें जाती है, एक सड़क बावनला से लेके जोरादर तक जाती है, एक सड़क यहाँ से जाती है आडेचा से लेके आमली से आडेचा लेके और हाजी की ढाणी तक, और एक ऊपर से जाती है खेजड़िया अपने इसमें दूटवा और टापी, और ये एक एक गांव का आपने नाम बताया, वहाँ से लोग पानी की कमी के चलते वहाँ से प्लान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा भैया मैं तेरे गांव में आ रहा हूँ, कितने लोग हैं मेरे को मिलेंगे? कि साहब मैं अकेला बैठा हूँ, कोई गांव में नहीं, कुकड़िया गांव का। मैंने कहा क्यों यार, कहाँ चले गए? कि साहब कोई गुजरात गया है, कोई कटक गया है, पानी है नहीं पीवा रो, 1500 रुपया रो टैंकर लावना पड़े, 1500 रुपया मैं किसान कटाऊँ लाऊँगा, गाय बैलों को गायों को कैसे बचाऊँ? तो ये थे हीरेलाल बिश्नोई, इनका मानना है कि क्योंकि राजस्थान सरकार ने कुछ दिन पहले ही 3 वर्ष कामयाबी के मनाए थे, लेकिन यहाँ की जो जनता है सांचौर की, और विधायक एक्स विधायक खुद मान रहे हैं कि जो सरकार की योजना है वो उन तक नहीं पहुँच रही है। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक जालौर।